जूते और स्पोर्ट्स का सामान बनाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाइकी ने ब्रुकलिन के आर्ट कलेक्टिव MSCHF के खिलाफ शैतानी जूतों का विवादित मुकदमा जीत लिया है। दरअसल पहले ये कहा गया था कि इन जूतों के सोल यानी तलवे वाले हिस्से में इंसान के खून की बूंदें इस्तेमाल की गई थी। ललित कला के लिए काम करने वाली आर्ट कलेक्टिव MSCHF ने रैपर लिल नेक्स एक्स के साथ मिलकर इस जूते को डिजाइन किया था। $1,018 तकरीबन 75,000 रुपए की कीमत वाला ये जूता असल में नाइकी एयर मैक्स 97S का मॉडिफाइड वर्जन था, जिसमें ईसाइयों के पवित्र चिन्ह पेंटाग्राम और क्रॉस को भी इस्तेमाल किया गया था। इस तरह के 666 जूते तैयार किए गए थे जो सब अब बिक चुके हैं। लिल नेक्स एक्स और MSCHF के ये शैतानी जूते सोमवार को एक मिनट से भी कम समय के अंदर बिक गए। नाइकी ने इसे अपने ट्रेडमार्क का उल्लंघन बताते हुए न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। MSCHF को ये जूते बेचने और उसके लोगो सूश का इस्तेमाल रोकने की मांग की थी। स्पोर्ट जूते बनाने वाली कंपनी नाइकी ने अपने मुकदमे में कहा कि MSCHF और उनके अनाधिकृत शैतानी जूते MSCHF के उत्पादों और नाइकी को लेकर भ्रम और गलतफहमी की स्थिति पैदा कर सकते हैं। वहीं MSCHF की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि 666 जूते कोई आम जूते नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत रूप से बनाई गई एक आर्ट है, जिसे इसे सहेजने वालों को $1,018 में बेची गई है। नाइकी का पक्ष लेते हुए फेडरल जज ने गुरुवार को इस पर रोक लगाने का अस्थायी आदेश जारी कर दिया है।